मीडिया रिपोर्ट को देख सुनकर आरएसएस की बुनियादें हिलने लगी। यूपी का सारा एजेंडा नागपुर से तय हो रहा है। यूपी में असदुद्दीन अवैसी की सभा में बढ़ती भीड़ और एआईएमएम के बैनर तले गोलबंद होते मुसलमान। मीडिया रिपोर्ट को देख सुनकर आरएसएस की बुनियादें हिलने लगी थी। आरएसएस अच्छी तरह समझती है कि यूपी में अगर मुस्लिम कयादत खड़ी हो गई तो राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम कयादत को खड़ा होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे में हिंदू राष्ट्र के उसके सपने को और मुस्लिम विरोधी कानूनों को लाने में बड़ी रुकावट पैदा होने वाली है। अचानक चुनाव आयोग ने रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अचानक बीजेपी आरएसएस के सदस्य और मंत्री बीजेपी से एसपी में शिफ्ट होने लगे हैं। अचानक त्यागी और नरसिंहानंद को जेल में डाल दिया गया। अचानक आजम खान का बेटा जमानत पर रिहा हो गया। अचानक ही सब कुछ एक दल के पक्ष में होने लगा, जो पिछले 5 साल से कभी विपक्ष की भूमिका में भी खड़ी नहीं दिखाई दी। यह सब इतनी आसानी से कैसे हो गया, जबकि कल तक सब कह रहे थे कि न्यायपालिका और व्यवस्था सत्ता के इशारे पर काम करती है, कुछ तो गड़बड़ है। क्या पता बाप को जेल में रखकर बेटे को किस धमकी के साथ बाहर निकाल लाया गया। क्या वह बेटा कभी बता पाएगा? जिस लोकतंत्र में यशोदा बेन के लबों पर पाबंदी हो, उस लोकतंत्र में आजम खान का बेटा क्या हैसियत रखता है? बड़ा ऊंचा खेल है, लेकिन हम अभी नहीं समझेंगे। शायद आगे तबाही बाकी है, उसके बाद ही हमारी आंखें खुलेगी। हमें क्या है, हम तो हिंदू राष्ट्र के बाद पैदा होने वाले हालात के लिए भी तैयार है। यह तो सेक्युलर लोकतंत्र पर विश्वास जताते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अपना अधिकार लेने के लिए संघर्ष करने की बात है, जिसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमें यकीन है, कोई कितनी भी साजिशें करे, हमारा परवरदिगार सबसे बड़ा प्लानर है। ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं SD24। कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह ने हमारे तुम्हारे मुंह में जबान दी है, बोलो, चीख कर बोलो, पुकार कर बोलो कि ना इंसाफी है, ना इंसाफी है। हम ना इंसाफी को ना इंसाफी कहेंगे, चाहे ना इंसाफी मुसलमान से हो, हिंदू से हो, दलित से हो और बैकवर्ड क्लास से हो।